Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I'm back with your kind of favorite video, which is skincare recommendation video. आप सबको मेरे skincare recommendations काफी पसंद है. So there you go. आज मैं आपके लिए budget friendly skincare recommendation लेके आई हूँ. All the products that I'll be featuring in today's video is going to be under ₹399 only. मैंने सबके rates cross check करे हैं और अभी Amazon या फिर Nykaa दोनों platform पे मैं सबके links दे दूंगी. ये आपको under ₹399 मिल जाएंगे. Also today's video is not sponsored by any brand. क्लियरिंग इट आउट देयर. वैसे ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर्ड होता है तो फेक रिव्यूज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं स्पॉन्सरशिप में भी ऑनेस्ट ओपिनियन देती हूँ, बट जस्ट मेकिंग इट क्लियर आउट देयर कि एक ऑर्गेनिक वीडियो है, कुछ भी स्पॉन्सरशिप नहीं है. ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद ट्राई टेस्ट किए हैं काफी टाइम तक, इनफैक्ट बहुत सारे तो रीपर्चेज भी हैं. सो ऑल दीज आर लाइक माई शॉर्ट कशिकास फेवरेट. सो आई होप ये भी आपको सूट करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद फेस वॉश, बिकॉज हर स्किन केयर रूटीन का जो बेसिक स्टेप होता है सबसे पहला वो होता है एक अच्छा फेस वॉश. एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जेनरिक फेस वॉश जो हर स्किन टाइप को सूट करे, बिकॉज काफी बार ड्राई हो जाती है स्किन, एक्ने प्रोन होती है, ऑयली होती है. सो देयर इज वन फेस वॉश जो सबको सूट करने वाला है, वो है ये सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश. आई थिंक दिस इज लाइक द मोस्ट जेनरिक येट वेरी वेरी इफेक्टिव फेस वॉश. एक तो ये बजट फ्रेंडली भी है, द एमआरपी ऑफ दिस वन इज 385. आपको डिस्काउंट पे और सस्ते मिल जाएगा. इनफैक्ट काफी बार तो ये अमेजोन पे 299 समथिंग का भी होता है. रियली वेरी अफोर्डेबल एंड दिस इज लाइक द मोस्ट जेंटल येट इफेक्टिव फेस वॉश जो हर स्किन टाइप को सूट करता है. इट हैज नो कलर, नो perfume, no chemical, it doesn't trigger your skin. ये morning cleansing के लिए बहुत अच्छा face wash है, because जब सुबह का time होता है ना, skin पे इतना makeup नहीं होता, sunscreen कुछ नहीं होती, you just need a very gentle cleansing. तो उसके लिए ये face wash काफी अच्छा है. It has that gel kind of texture, transparent है ये पूरा, decent सा foam बनता है इसमें, ज्यादा foam नहीं बनता because इसके अंदर वो soaps और वो harmful chemical नहीं है. एक अच्छा decent इसमें एक foamy texture बनता है, काफी अच्छे skin cleanse हो जाती है. एंड या इट kind of suits all skin types. So अगर आप confused हो ना कि आपको कौन सा face wash लेना चाहिए, या फिर आपकी sensitive स्किन है, या फिर मॉर्निंग के लिए आप एक जेंटल फेस वॉश देख रहे हो, आई थिंक दिस इज द वन दैट यू शुड गो फॉर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉइस्चराइजर्स, बिकॉज आजकल का जो मेरा फेवरेट स्टेप है ना स्किन केयर रूटीन का, वो मॉइस्चराइजर्स ही हैं. मैं आजकल एक्टिव बेस्ड सीरम्स इतना ज्यादा यूज नहीं करती, थोड़े बहुत यूज करती रहती हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर आजकल मॉइस्चराइजर्स यूज करती हूँ, बिकॉज माई स्किन इज फीलिंग दैट ड्राई. जो भी वेदर होता है ना हल्का सा, जैसे विंटर जा रही है, समर्स आ रही है, प्लस मैं काफी बार एक्ने बेस्ड रात को जेल्स लगा लेती हूँ, तो उससे सुबह स्किन एक ड्राई ड्राई हो जाती है. सो आई रियली वॉन्ट दैट नाइस हाइड्रेशन वाले मॉइस्चराइजर. So, सबसे पहला जो मेरा सजेशन है, दिस इज रियली ग्रेट फॉर ऑल द पीपल जिनकी ड्राई स्किन है, या फिर जो इरिटेटेड स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, इज दिस पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर. और ये डील पे 399 के अंडर भी मिल रहा है, विच इज रियली गुड. नॉट ऑन डील, या द एमआरपी 395, सो ऑलरेडी 399 के अंडर है. दिस इज द डॉटन की सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक स्किन बैरियर फेस क्रीम. दिस इज फ्रॉम देयर स्किन बैरियर रिपेयर रेंज. डॉटन की पूरी एक सेरामाइड रेंज आती है, उसमें फेस वॉश भी आता है, सनस्क्रीन भी आती है. सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या फिर इरिटेटेड स्किन है, आप डेफिनेटली इसकी पूरी रेंज यूज कर सकते हो. लेकिन ये जो मॉइस्चराइजर है, ये मेरा फेवरेट है उस पूरी रेंज में से. इट हैज प्रोबायोटिक्स, राइस वाटर. दिस इज फॉर ड्राई टू वेरी वेरी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन. लेकिन मेरी ऑयली स्किन है, मुझे फिर भी ये सूट करता है, बिकॉज विंटर्स में जैसे कि मैंने कहा स्किन हल्की फुल्की ड्राई हो जाती है. सो मैं इसको पीक समर के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी, लाइक जब मई जून जुलाई वाली गर्मी आएगी तब मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करने वाली, बिकॉज फिर एक ग्रीसी हो जाता है. बट यार डेफिनेटली बिफोर मेकअप, बिकॉज मेकअप करने से पहले अगर एक अच्छा नरिशिंग मॉइस्चराइजर यूज करो ना, तो मेकअप काफी फ्लॉलेस लगता है. अदरवाइज बहुत फाउंडेशन ऐसे पैची पैची हो जाता है. तो मेकअप करने से पहले या फिर हल्का सा ड्राई स्किन कंडीशन में ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है. दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, सो इट विल सूट इरिटेटेड स्किन एज वेल. दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक. काफी जल्दी स्किन में ब्लेंड हो जाता है, नॉट ऑल चिपचिप और ग्रीसी. इसके ऊपर मेकअप भी काफी अच्छे से वर्क करता है. सो या अगर आपका भी फाउंडेशन क्रैक होता है ना, आई वुड एडवाइस कि आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर लो जो एकदम नरिशमेंट की लेयर बना दे आपके फेस पे, सो दैट आपका जो मेकअप है वो क्रैक ना हो. अ लॉट ऑफ गर्ल्स से कि इसमें कोकोनट ऑयल है तो ये कॉमेडोजेनिक हो सकता है. इसके इंग्रेडिएंट में मुझे दिख भी रहा है, ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट के सेंटर में लिखा हुआ है कोकोनट ऑयल. तो आई डोंट थिंक सो इतना हाई क्वांटिटी में होगा, बट इट काइंड ऑफ सूटेड मी. बिल्कुल भी कॉमेडोजेनिक नहीं था, बिल्कुल भी कोई पोर्स क्लॉगिंग नहीं हुई. आप पैच टेस्ट करके देख सकते हो. सो इफ यू हैव ड्राई एंड कॉम्प्रोमाइज स्किन, आई थिंक दिस इज अ मॉइस्चराइजर दैट यू कैन रीच आउट टू. आई हैव अनदर रिकमेंडेशन फॉर ऑल द गर्ल्स जो कहती हैं डॉटन की मॉइस्चराइजर से रिएक्शन हो गया, या फिर कॉमेडोजेनिक है, या फिर एक्ने हो गए, छोटे बम्स हो गए. बिकॉज एक होता है कि यार कोकोनट ऑयल लिखा है इंग्रेडिएंट में और किसी एक्स वाई जेड ने बोला है कोकोनट ऑयल कॉमेडोजेनिक होता है, तो उससे कॉमेडॉन्स बन गए मेरे को. सो वरी नॉट, आप वो मत यूज करो, आप ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर लो, बिकॉज ये भी काफी अच्छा नरिशमेंट देता है. ये मैंने काफी यूज किया, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने इसको निचोड़ दिया है. दिस इज बाय डर्माको 4% यूरिया डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम. अगेन दिस इज फॉर ड्राई स्किन. यहाँ पे
लिखा भी हुआ है, ड्राई स्किन के लिए इट हैज सेरामाइड, लैक्टिक एसिड, डीप मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ ये एक्सफोलिएशन भी करती है बिकॉज इसमें लैक्टिक एसिड है, तो ये ऊपर की जो डेड स्किन है उसको निकालने में काफी हेल्प करती है. एंड अगेन द टेक्सचर इज रियली नाइस. ये मैंने विंटर्स में काफी बार यूज किया है मेकअप करने से पहले भी, बिकॉज ये काफी अच्छा है, लाइक इट इज नॉट ऑल ग्रीसी चिपचिप, ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है. ऑल्सो दिस इज फ्रेग्रेंस एंड पैराबेन फ्री, तो आप सेफली इसको यूज भी कर सकते हो. सो अगर आपको ये डॉटन की वाला सूट नहीं करता, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट अप इज कंसर्न बेस्ड मॉइस्चराइजर, लाइक अगर आपको एक्ने मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो. दिस इज बाय डॉक्टर शेड्स, ये है इनका केसर एंड कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. डॉक्टर शेड्स की पूरी एक ऑयल फ्री रेंज आती है, OFM रेंज, उनके अंदर बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स आते हैं. मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे इनके मॉइस्चराइजर्स रिव्यू करे थे, मैं यहाँ का लिंक भी कर दूंगी, आप देख सकते हो. दे हैव गुलाब एंड ग्लाइकोलिक, दे हैव हल्दी एंड हाइलुरोनिक, दे हैव सेरामाइड एज वेल, बट ये जो स्पेसिफिकली है ना केसर एंड कोजिक एसिड, ये बनी है पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने के लिए. तो अगर आप सीरम्स नहीं यूज करते या फिर आप सीरम्स के इतने फॉन्ड नहीं हो, आपको लेना पसंद नहीं है सीरम्स इतने ज्यादा, तो आप एक मॉइस्चराइजर ऐसा ले सकते हो जिसके अंदर सीरम लाइक क्वालिटीज है, जो कहीं ना कहीं कंसर्न पे वर्क करती है. ये हाइड्रेट भी करती है, पिगमेंटेशन को फेड अवे करती है. इसके अंदर 1% कोजिक एसिड है. कोजिक एसिड इज अ वेरी नाइस इंग्रेडिएंट टू लाइटन अप द डार्कनेस. जो भी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको कम करने में कोजिक एसिड हेल्प करता है. देन इट हैज अल्फा ऑर्बिटिन एज वेल, विच इज अगेन ब्राइटनेस लेके आता है आपके फेस को, कहीं ना कहीं एक ग्लोइंग फेस आपका बनाता है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये पूरी जो ऑयल फ्री रेंज है, इट इज एक्चुअली ऑयल फ्री, बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होती. दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक, एकदम लाइट व्हाइट कलर का इसका टेक्सचर है. अगेन काफी जल्दी स्किन में ब्लेंड हो जाता है, इसका एकदम जेल लाइक फिनिश आती है. इसको जब लगाओगे ना, ऐसा लगता है आपने कोई जेली टाइप लगाई है, जो थोड़ी देर बाद बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, नॉट ऑल ग्रीसी और चिपचिप. सो या यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. नाउ 399 के अंडर एक अच्छा सीरम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था. बहुत सारे मेरे फेवरेट सीरम है जो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगेन वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, 500 प्लस आते हैं. तो कभी मैं कोई स्किन केयर रूटीन बनाऊंगी तो तब उसमें फीचर कर दूंगी, लेकिन आज का जो चैलेंज है अंडर ₹399 मुझे मिला है मेरा फेवरेट सीरम, जिसकी मैं पता नहीं कितनी बॉटल्स खाली कर चुकी हूं. सो इसका जो मिनी वर्जन है ये आपको अंडर ₹399 मिल जाएगा Amazon या नायका पर. दिस इज द लॉरियल पैरिस रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट इज अ मिनी बॉटल. सो अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूज कर रहे हो ना, आप ये मिनी बॉटल ले सकते हो जस्ट टू सी कि आपको सूट कैसे करती है. बट दिस इज इट इज लाइक अ नो फस सीरम, एक अच्छा हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम है जो आपकी स्किन के अंदर वो जो ड्राइनेस होती है उसको कंपनसेट करता है, एक नरिशमेंट लेके आता है. एंड आई डोंट नो रात के 1 बजे डॉगियों को क्या बातें करनी है. मैं लिटरली रात को शूट करती हूँ कि शांति हो, ट्रैफिक नॉइस ना हो, बट रात को कुत्तों को बातें करनी होती हैं. बट चलो कोई नहीं, इग्नोर दैट. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसके अंदर 1.5% हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन के लिए काफी अच्छा होता है. मैं इसको स्पेसिफिकली मेकअप करने से पहले लगाना पसंद करती हूँ, बिकॉज मेकअप जब करो ना, बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन, कंसीलर, लूज पाउडर लगाते हैं, एकदम काफी बार स्किन ऐसे क्रैक क्रैक होती है. तो बेस पे अगर आप एक ऐसा सीरम लगाओगे ना जो एक अच्छी मॉइस्चराइजेशन देगा, प्लम्प बनाएगा आपकी स्किन को, तो काफी एक अच्छी हाइड्रेशन मिल जाती है. एंड दिस इज लाइक, ये हर बंदे को सूट करने वाला है, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, सेंसिटिव स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन. इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, या आई थिंक सो इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, या इसमें फील नहीं हो रही, इसमें कोई हार्श फ्रेग्रेंस नहीं है, बट इट सूट्स ऑल स्किन टाइप. मैंने इसको हर टाइप के अपनी स्किन कंडीशन में यूज किया है, जब बहुत ज्यादा एक्ने थे, जब बहुत ज्यादा ड्राई थी, जब बहुत ज्यादा ऑयली थी, और ये हमेशा सूट करता है. द ओनली ट्रिक इज, जब भी आप हाइलुरोनिक एसिड का सीरम लगाओगे, आपको इसको डैम्प स्किन पे लगाना है. तो या तो आपके फेस पे हल्का फुल्का पानी होना चाहिए, लाइक आप फेस वॉश करके आए, हल्की सी स्किन गीली है, उसके ऊपर सीरम लगा लो, या फिर अच्छे से रोज वाटर, कोई जो टोनर होता है उसको स्प्रे कर लो, बिकॉज जब इसको गीले फेस पर लगाओगे ना तो ये और अच्छे से वर्क करेगा. फाइंडिंग अ गुड सनस्क्रीन अंडर ₹399 वॉज अ चैलेंज, बिकॉज जितनी भी अच्छी सनस्क्रीन होती है मेरी बायोडर्मा की, डॉक्टर शेड्स की, सब या तो 450 की हैं, 500 की हैं. सो मेरा बजट फिक्स था कि 399 के अंडर ही होना चाहिए. सो मुझे डील पर मिल गई है अमेजोन पे, ये अंडर ₹399 अभी आपको मिल रही है. यह है एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन, ये इनकी OG रेंज है, इनकी ग्लो डूई वाली रेंज. ये काफी अच्छी सनस्क्रीन है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. मैं इसको मेकअप करने से पहले हमेशा यही वाली सनस्क्रीन लगाती हूँ, बिकॉज एक डूईनेस देती है, तो उसके ऊपर बीबी क्रीम या कुछ फाउंडेशन लगाओ ना तो काफी अच्छा ग्लोइंग लगता है. तो अगर आपको एक डूई मेकअप लुक पसंद है, या फिर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप ये सनस्क्रीन डेफिनेटली यूज कर सकते हो. लव द पैकेजिंग एज वेल, ये बैग्स के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज काफी बार जो ट्यूब पैकेजिंग होती है ना, लाइक इफ द पैकेजिंग इज समथिंग लाइक दिस, तो बैग में दब सकती है, निकल सकती है, बट ऐसी वाली सॉलिड पैकेजिंग कभी लीक नहीं होती. सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग, एंड दिस इज द फ्रेश बॉटल दैट आई हैव, बिकॉज पहली वाली मैं सारी फिनिश कर चुकी हूँ. तो मैंने भी रिसेंटली निकल के भी दिया. ओके,
एक्चुअली इज अ फ्रेश बॉटल जो मैंने लिटरली अभी खोली है, तो सही वाली सारी फिनिश कर चुकी। मैंने आपको प्रोडक्ट एंटीज में दिखाई थी, बट ये ओपन करके निकल गई। पंप को ना स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, बट दिस इज हाउ द सनस्क्रीन लुक्स लाइक। एक सेमी यू कैन से थिक इसका टेक्सचर है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा थिक है, ना ज्यादा लाइट है। एक सेमी मीडियम इसकी कंसिस्टेंसी है। एंड यू कैन सी, कैन यू सी माई स्किन कितनी मस्त ग्लो मार रही है। इससे काफी अच्छी नरिश हो जाती है स्किन। SPF 50 विद PA 4 टाइम्स प्लस विद UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। इसमें आपको पपाया एंड विटामिन सी के बेनिफिट्स मिलते हैं। या रियली नाइस, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी नाइस सूटेबल सनस्क्रीन फॉर ड्राई कॉम्प्रोमाइज्ड और यू कैन से ऐसी स्किन जो आपको मेकअप के टाइम एकदम ग्लो ही चाहिए। नेक्स्ट अप आई हैव अ सनस्क्रीन विच इज फ्री फ्रॉम ऑक्सीबेंजोन OMC जितने भी केमिकल फिल्टर्स होते हैं ना, जो सेफ नहीं माने जाते स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स जिनको हार्मोनल इशू है, फिर PCOD के इशू है। मैं सबको वही रिकमेंड करती हूँ कि आप अवॉइड करो किसी भी सनस्क्रीन में जिसमें OMC होता है, मिथॉक्सीसिनामाइड ये जो होता है, ये जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं ये सेफ नहीं होते। तो डेफिनेटली आप एक ऐसी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। दिस वन इज बाय विश केयर। ये है विश केयर की इनविजिबल जेल सनस्क्रीन। एंटी ऑक्सीडेंट रिच है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन इससे मिलती है, 1% हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, नायासिनामाइड है, सेरामाइड है, SPF 50 विद PA 4 टाइम्स प्लस, और ये सन प्रोटेक्शन भी काफी अच्छी देती है। द ओनली थिंग इज इसमें एक ब्लूइश टेक्सचर आता है। जब भी मैं इसको लगाती हूँ थोड़ी देर तक फेस पे ब्लूइश टेक्सचर आता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद चला जाता है, बट इट ब्लेंड्स इन टू द स्किन रियली वेल। जैसे कि इसका नाम है इनविजिबल जेल सनस्क्रीन। एंड ये भी वैसे बोलते हैं ये सूटेबल है फॉर ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन, बट ऑयली स्किन को ये हल्का सा एक ग्रीसी लुक दे सकती है, बिकॉज ये हल्की सी हैवी है नरिशमेंट में। इट हैज लाइक सेरामाइड, इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, तो थोड़ी बहुत हैवी है, बट अगेन मैं जब मेकअप करती हूँ, फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगाती हूँ, तो बेस पर एक अच्छी नरिशमेंट वाली सनस्क्रीन मिल जाए ना, तो ओवरऑल बेस अपने आप ही मैट हो जाता है, बिकॉज मेरे पास जितने फाउंडेशन है वो सारे मैट फिनिश वाले हैं। सो एनी हाउ आई वॉन्ट समथिंग ऑन द बेस जो नरिशिंग हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा स्किन ऐसे सूखी सूखी हो जाती है। इसमें लिखा भी हुआ है नो ऑक्सीबेंजोन, नो OMC एंड नो सिलिकॉन्स, तो दिस इज वेरी वेरी सेफ फॉर एवरीडे बेसिस, बिकॉज एक तो वो केमिकल फिल्टर्स नहीं है जो कहीं ना कहीं आपको एक हार्मफुल साइड इफेक्ट दे सकते हैं, प्लस इसमें सिलिकॉन्स भी नहीं है, तो एवरीडे बेसिस के लिए अच्छा है, बिकॉज वो पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी। काफी जो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन होती है वो पोर्स को क्लॉग करती है, अगर आप रात को डबल क्लेंजिंग नहीं करते तो फिर एक्ने होने के चांस ज्यादा होते हैं। सो या फॉर एवरीडे बेसिस आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस सनस्क्रीन। Talking about sunscreen, I actually found a sunscreen stick under ₹399 only. Like what? जब मैंने इसको देखा ना, मैंने इसका प्राइस देखा, I was like I have to buy it and see कि अच्छी वर्क करती है नहीं करती। And it is a mineral sunscreen stick. काफी लड़कियां होती हैं या काफी लड़के, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ काफी लड़कियां, लड़के भी स्किन केयर करते हैं, मतलब काफी लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली मिनरल सनस्क्रीन ही यूज करना प्रेफर करते हैं, वो केमिकल फिल्टर वाली सनस्क्रीन यूज ही नहीं करते। सो उनके लिए एक स्टिक सनस्क्रीन आ चुकी है जो सिर्फ मिनरल फिल्टर से बनी है। दिस इज बाय फिक्स डर्मा शैडो सनस्क्रीन स्टिक। ये SPF 50 है। दिस वन इज स्पेसिफिकली फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स, बिकॉज ये स्टिक फॉर्म में आती है, तो आप इसको रीअप्लाई कर सकते हो। इट हैज रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, बीसा बोलोल, होबा ऑयल, 100% मिनरल सनस्क्रीन है ये। वाटर रेजिस्टेंट भी है, ये आपको 80 मिनट्स तक पानी में बेसिकली आपकी स्किन को बचाएगी, तो अगर आप बीची वेकेशन के लिए जा रहे हो कैन डेफिनेटली कैरी दिस। मैंने इसको यूज करके देखा था, द ओनली थिंग इज इसकी हल्की फुल्की व्हाइट कास्ट है, लाइक कैन यू सी, ये मैंने प्रेशर ज्यादा दे दिया था तो यहां ज्यादा लग गया, बट यू कैन सी इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, बट जैसे आप इसको ब्लेंड करोगे ना तो ये काफी अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाएगी। अब देखो मिनरल सनस्क्रीन है तो थोड़ा बहुत तो व्हाइट कास्ट देगी, सो यू कैन सी द डिफरेंस, हल्का फुल्का व्हाइट कास्ट आता है, बट अगेन मिनरल सनस्क्रीन आपको चाहिए तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, बिकॉज मिनरल सनस्क्रीन में व्हाइट कास्ट आती है। सो अगर अपनी स्किन को बचाना है और मिनरल सनस्क्रीन ही आपको यूज करनी है, केमिकल फिल्टर नहीं यूज करने, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू द स्टिक सनस्क्रीन। एक तो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब लिटरली बिल्कुल छोटू सी है, एकदम पतली सी है, तो आपके कोई भी स्लिंग बैग में आ जाएगी, यू कैन जस्ट स्वाइप इट अक्रॉस योर फेस एंड देन कैन ब्लेंडेड, और ये बिल्कुल ऐसे स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, हल्का फुल्का व्हाइटनेस देगी जो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। यू कैन गो फॉर केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन स्टिक्स अगर आपको व्हाइट कास्ट बिल्कुल नहीं पसंद, लाइक आई रियली लाइक द डॉटन की सनस्क्रीन स्टिक, बट अगेन मैंने वो चेक किया था वो 500 से ऊपर आती है, सो मैं फीचर नहीं कर पाई, बट वो भी काफी अच्छी सनस्क्रीन है। आई ऑल्सो हैव अ माइसेलर वाटर अंडर ₹399। मेरा मन था एक मेकअप रिमूवर फीचर करने का इस वीडियो में, और मेरे पास जितने मेकअप रिमूवर्स है ना, या तो वो 400 प्लस है, 500 प्लस है, या फिर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मेरा मन था सिंपल का भी मेकअप रिमूवर फीचर करने का, बट दैट वन इज वेरी वेरी जेंटल, तो मैं इतना
ज्यादा रिकमेंड नहीं करती. देन द बायोडर्मा वन इज वेरी एक्सपेंसिव, तो मुझे ये ऑप्शन मिला जो 399 के अंडर भी आता है, जो इफेक्टिवली स्किन को क्लेंज भी कर देता है, जो भी मेकअप होता है उसको हटा देता है. दिस वन इज बाय गार्नियर, ये है उनका माइसला क्लेंजिंग वाटर विटामिन सी रेंज का. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड सरप्राइजिंगली इट हैज नो परफ्यूम, नो अल्कोहल, तो ये आईज को भी टिंगल नहीं करता. परफ्यूम नहीं है तो स्किन को भी ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन देता बिकॉज इसमें वो फ्रेग्रेंस एडेड नहीं है. एक ऐसा बेसिक माइसला वाटर आप सबकी वैनिटी में होना चाहिए ताकि आप ऑन द गो मेकअप रिमूव कर सको एंड देन यू कैन जस्ट वॉश योर फेस. एटलीस्ट एक बेसिक लेवल की डबल क्लेंजिंग हो जाती है. अगर आप बहुत हैवी मेकअप करते हो या बहुत हैवी सनस्क्रीन लगाते हो या फिर मिनरल सनस्क्रीन लगाते हो जो एक्सट्रीमली व्हाइट कास्ट देती है, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको ऑयल क्लेंजिंग करनी पड़ेगी. आप कोई भी एक अच्छा ऑयल क्लेंजर यूज कर सकते हो, बट इन बेसिक मेकअप क्लेंजिंग आई थिंक दिस इज अ डिसेंट वन. एंड फाइनली कमिंग टू लिप बाम्स, बिकॉज किसी भी लिप बाम के बिना हमारा स्किन केयर रूटीन अधूरा है. फेस की कितनी भी क्लेंजिंग कर लो, कितना भी अच्छे से ध्यान रख लो, अगर आपके लिप्स चैपी हैं, डार्क हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. सो आई हैव टू लिप बाम्स विच आर लाइक बजट फ्रेंडली एंड गुड क्वालिटी. मैंने बहुत सारे लिप बाम्स ट्राई किए हैं, ट्रस्ट मी, मेरे पास एवरी ब्रांड का लिप बाम शायद रखा ही होगा, चाहे मेरे ड्रॉर में, बैग में, बट आई ऑलवेज कम बैक टू दिस पर्टिकुलर लिप बाम बिकॉज इट सूट्स मी रियली वेल. इससे लिप्स डार्क नहीं होते और इससे नरिशमेंट बहुत अच्छी मिलती है. दिस इज द निविया ओरिजिनल केयर लिप बाम. ये तो मैं विंटर्स में हमेशा ले लेती हूँ बिकॉज विंटर्स में बहुत ज्यादा चैपीनेस होती है. ये इनका एक बेसिक वाला लिप बाम है जो व्हाइट कलर का है. इसका कोई भी अपना कोई टेंट नहीं है, कलर नहीं है, तो आप इसको कोई लिपस्टिक के ऊपर भी यूज कर सकते हो. अगर आपने कोई चैपी लिपस्टिक लगा ली, लिप्स बहुत ज्यादा चैप हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आप इसका एक कोट लगा सकते हो बिकॉज उस लिपस्टिक का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा बिकॉज इसका अपना कोई कलर नहीं है. आई ऑल्सो हैव द कलर्ड वर्जन ऑफ द निविया लिप बाम. इसका अपना एक टेंट आता है, तो ये मैं कभी कभी ऐसे ही लगा लेती हूँ जब मेरा लिपस्टिक लगाने का मन नहीं होता या फिर जब मैं जिम जाती हूँ तब मैं लगा लेती हूँ बिकॉज जिम के लिए ऑब्वियसली आपको लिपस्टिक तो चाहिए नहीं, बट एक बेसिक सा टेंट आ जाता है. सो दिस इज हाउ द लिप बाम लुक्स लाइक. आप देख सकते हो एक बहुत हल्का टेंट आया है. अगेन द फ्रेग्रेंस इज रियली नाइस. ये प्रोमोग्रेनेट वाले की तो मतलब लिटरली ऐसा लगता है आपने कोई कैंडी खाई है. इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, बट अगेन वेरी वेरी सेफ. दीज टू लिप बाम्स आर माई पर्सनल फेवरेट. ये तो मैं हमेशा रीस्टॉक कर ही लेती हूँ. वेरी वेरी सेफ, बजट फ्रेंडली एंड गुड क्वालिटी. सो दीज वर माई टॉप 10 अंडर ₹399 ओनली. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसी और वीडियोज चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, या फिर कुछ आइडियाज दो मुझे ऐसे टॉप 10, 100, ₹100, ₹200, ऐसा कुछ करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, या फिर किस टाइप की वीडियोज मुझे और बनानी चाहिए, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना. इन सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी अमेजोन के नायका पे. अगर किसी ब्रांड के साथ मेरा कूपन कोड होगा तो मैं वो भी डाल दूंगी, सो वो भी चेक कर लेना. एंड या दैट इज टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो आई एम वेयरिंग कश्माना, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग, आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल कॉर्ड सेट फ्रॉम माई ओन ब्रांड कश्माना. इट इज अ डेनिम कॉर्ड सेट. इसके अंदर ये डेनिम की जैकेट आती है जिसको आप बंद भी कर सकते हो, ओपन करके कैसे भी पहन सकते हो. एंड देन यू हैव द डेनिम पैंट्स एज वेल. ये मैंने जस्ट अभी आज ही पोस्ट करी है. मैं इसका भी लिंक नीचे दे दूंगी. यू कैन डेफिनेटली प्लेस द ऑर्डर वी आर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एंड यू कैन शॉप दिस कॉर्ड सेट. काफी अच्छे बजट फ्रेंडली प्राइस पे है, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द डिटेल्स एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.